नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चाणक्य नॉलेज शो पर। दोस्तों, हम इस चैनल के ज़रिए आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फाइनेंस जैसी जानकारी देते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर है, जिसमें पिछली 24 तारीख को बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत पिछले कई महीनों से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में नए नए रिकॉर्ड बना रहा था, जिसने भारत में पहली बार 500 अरब डॉलर का रिकॉर्ड पार किया था, जिसमें पिछले महीने ही भारत ने 538 अरब डॉलर के आंकड़े को छुआ था। अगस्त के पिछले बीते हफ्ते में करीब 3 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 538 से गिर करके 535 के आसपास आ गया, जिसका सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस की महामारी है और दूसरा कारण अरब के देशों से भारत के लोगों का वापस आना। इस समय विश्व के सभी देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस के फैलने से भारत के आयात और निर्यात पर इसका बहुत बुरा असर देखा गया है, जिसके कारण भारत को अपने आयात के लिए डॉलर और दूसरे कई देशों की मुद्राओं में कमी देखी गई। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना ज़रूरी होता है? विदेशी मुद्रा भंडार से कोई भी देश अपने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में सक्षम हो सकता है। जैसे कि कोई कार बहुत दिनों से पार्किंग में खड़ी है और उसको चालू करने के लिए हमें दूसरी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी देश की गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार ही एक बैटरी का काम करता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का काम करेगी। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।